अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं saraclothes.com से आज आपके लिए लाई हूँ सरीना का नया वेडिंग कलेक्शन जो कि रॉयल के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सिस्टर्स, ये मेरे एम्ब्रॉयडर रॉयल की आखिरी वीडियो है जिसका इनका जो हिट आइटम है, आप कह सकते हैं कि कवर आइटम, ये है इनका लहंगा। ये इनके पूरे एम्ब्रॉयडर के सेट में इसकी जान है ये, और इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 25,000 तक की है। आइए देखते हैं कि इस सूट में इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जो कि 25,000 का ये सेल कर रहे हैं। इस सूट की क्वालिटी अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो आप देखें कि ये सूट दो पन्नियों में पैक हुआ हुआ है। कोसी एक में लहंगा और शर्ट होगी आई गेस, एक और सिर्फ दूसरे में एक में शर्ट और दुपट्टा होगा और दूसरे में सिर्फ लहंगा होगा। सबसे पहले हम लहंगे की तरफ चलते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर की जान होती है। एज अकॉर्डिंग टू, आप ये देखें, इसमें जो है बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहले आइटम आया है, वाओ, इट्स वेरी हैवी, इट इज वेरी हैवी। आप काफी शोर से भी नजर लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। वेरी ऑसम ऑसम। ये देखिए सिस्टर्स, ये है इसकी शर्ट जिसमें इन्होंने बीट्स का काम किया हुआ है। इसमें इन्होंने बिल्कुल एम्ब्लिश्ड है ये सीक्वेंस का काम, इसमें ये जो गोटा जरी डबका जो होता है ये दबके का काम, इसमें बिल्कुल पर्ल्स का काम, इसमें जरी का काम, इसमें सब चीजें, मतलब कि उन्होंने जो पूरे सूट में अलग अलग सूटों में जो डिस्क्राइब किया है 9 सूटों में, उसका कॉम्बिनेशन कह लें, उसका ये मिक्सचर कह लें, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके हर एंगल से जो इसके डायमंड्स हैं जो इसमें लगाए गए हैं वो हर एंगल से चमक रहे हैं। ये किसी वाकई किसी बहुत ही खुशनसीब लड़की के लिए बनाया गया है, किसी खुशनसीब लड़की के लिए बनाया गया है जो कि अपनी वेडिंग में पहन के वो और भी खूबसूरत लग सकती है। ये इसका फ्रंट का जो है शर्ट का पीस है। इसके अलावा इसको हम बिल्कुल दूसरी तरह से पैक करेंगे, क्योंकि तो जाहिर सी बात है ये जिस खुशनसीब लड़की का है अल्लाह उसको पहनना नसीब फरमाए। सेकेंड थिंग जो हमारे पास आ रहा है, इसका सेकेंड पीस, वो भी काफी ज्यादा हैवी है। तो सिस्टर्स, ये देखते हैं हम। जी हाँ, ये देखिए सिस्टर्स, ये है इसकी स्लीव्स का पट्टा। ये 1.5 की इसकी स्लीव्स का पट्टा है। इसमें ये ग्लिटर सीक्वेंस है, हैंडवर्क है, पर्ल एम्ब्लिश्ड है। ये तीनों चीजों का जो ने कॉम्बिनेशन जो है बना करके इन्होंने डाला है। ये इसका स्लीव्स का कपड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारा ये जो पर्ल्स देख रहे हैं ना, ये आप ये सब ये हैंडवर्क हुआ हुआ है। इसके अलावा ये जो आप इसके जो गोटा देख रही हैं, जो वो देख रही हैं, इसमें भी देखेंगे पूरा बैक साइड से ये पूरा का पूरा जो है ये लगाया गया है, एक एक सीक्वेंस को पकड़ पकड़ के। ये कपड़ा जो है स्लीव्स का वो ईच 0.75 यार्ड का है और प्योर शिफॉन के ऊपर बनाया गया है। जब इसकी फॉल आएगी, इनके साथ लाइनिंग इनर आएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। चलते हैं इसके सेकंड पीस की तरफ। ये है हमारे पास जो 4 पीसेस आ रहे हैं, ये फ्रंट एंड बैक के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब ये फ्रंट एंड बैक के क्यों मेंशन किए गए हैं, बिल्कुल ये चेक करना पड़ेगा मुझे, इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे जाकर के फिट होंगे। जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है
वो लिखा हुआ है, ये फ्रंट एंड बैक के लिए लिखा हुआ है, पर्टिकुलर डिस्क्राइब नहीं किया है इन्होंने। आई गेस के जो शरारे की जो शर्ट होती है उसमें जो पैनल्स लगेंगे, आई गेस ये उसमें जाकर के ये जुड़ेंगे। ये देख लीजिए, मेरे ख्याल है ये साइड की तरफ से ये ऐसे करके ये जुड़ेंगे। अगला आइटम जो मेरे पास आ रहा है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी सिस्टर्स, ये है इसका दुपट्टा। वाओ, जिस तरह की शर्ट उस तरह का दुपट्टा, वेरी गुड। इसका कलर जो है वो पिस्टाचू कलर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं नेट का फैब्रिक है, हर तरफ से छन दी गई है इसके पूरे दुपट्टे में। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो गोल्डन जरी से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसके अंदर एक एक पर्ल लगा करके इसके फूलों को और खूबसूरत बनाया गया है। इसके अलावा इसकी शर्ट में आप जैसे देखा कि सीक्वेंस हुआ हुआ है, उसी तरह का सीक्वेंस इसके दुपट्टे में भी आया है। क्योंकि ये ब्राइडल सूट तकरीबन हम इसको कंसीडर करेंगे, बिल्कुल ब्राइडल सूट की तरह कंसीडर करेंगे, तो उसी तरीके से इन्होंने एक माठा पट्टी दी हुई है और दोनों साइड पे इन्होंने ये हल्की सी फॉल टाइप दिया हुआ है। ये देखें आप, ये पूरे छन दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा सिस्टर्स नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं हम। इसके इस शरारे की नेक्स्ट आइटम जो है वो है इसका बैक पीस। जैसे कि हमने इसका फ्रंट पीस दिखाया आपको कि इसके फ्रंट पीस में सब जगह पे पर्ल्स भी लगे हुए हैं, तो जी क्या कहते हैं ग्लिटर वो भी लगे हुए हैं, हैंड वर्क भी हुआ हुआ है और सीक्वेंस भी लगा हुआ है। तो इसके बैक पीस में हम सिर्फ देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस लगा हुआ है बहुत खूबसूरती के साथ। प्योर शिफॉन का कपड़ा है ये, इसके फैब्रिक जो है इसका प्योर शिफॉन का है, और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, इसका कलर जो है मैं बताती चलूं कि इसका कलर जो है ये बेज कलर का मतलब बनेगा लहंगा, लेकिन जैसे कि हमारे पहले के ख्याल जो है लोग सोचते हैं कि जी वो अच्छा नहीं लगेगा दुल्हनों पे, तो बिल्कुल गलत। आप देख सकते हैं कि इस जो मॉडल ने पहना हुआ है सूट, ये कितनी खूबसूरत भी लग रही है, और मेरी तरफ से जो भी लड़की पहनेगी अपनी मंगनी वगैरह पे तो ये उस पर बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत खूबसूरत। इसके अलावा इसके जो मेन कंटेंट है, दैट मीन्स के इसका लहंगा, उस पर हम चलते हैं। तो जी ये है इसका लहंगा। ओ माई गुडनेस, ये भी बहुत खूबसूरत है। आप इसकी पैकिंग और अनपैकिंग देख के आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, सी इसमें अगर आप सुन सके तो इसका जो कहते हैं कि जी साउंड आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी गुड। लहंगे का भी जो उन्होंने दिया है पीसेस, वो भी टू पार्ट्स पे दिया हुआ है, फ्रंट अलग है बैक अलग है। इसको हम खोलते हैं और ये देखिए आप, वाओ सुपर सुपर। इसके तो वाकई 25 क्या, इसके तो 30,000 मांगने चाहिए थे उन लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा काम किया हुआ है इस पे, नफासत से भरा हुआ। इसकी जब फॉल बनेगी, जो ये प्योर शिफॉन पे जो इसकी फॉल बनेगी, वाओ इट्स वेरी नाइस। आप देखें इसका लहंगे का जो पीसेस इन्होंने दिए हुए हैं वो 5x5x5 यार्ड्स के दिए हुए हैं। इसमें भी ग्लिटर सीक्वेंस हुआ हुआ है, हैंडवर्क हुआ हुआ है, और पर्ल एमलेस्ट जो पैनल्स हैं फॉर लहंगा इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप के लिए इन्होंने छन डाली हुई है, थोड़ी थोड़ी बूटी डाली हुई है हर जगह पे, जो कि टॉप से जाके मिलेगी। इसके अलावा इनके जो बॉटम पे चले जाते हैं अगर हम, तो इसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो प्रिंट कवर किया है एम्ब्रॉयडरी से, और एम्ब्रॉयडरी के बाद अगर आप सिर्फ इस अपर इस लीफ को देखें,
जो इसके लहंगे पे आ रहा है, तो आपको ये अंदाजा होगा कि कितना मेहनत तलब काम इन्होंने वाकई में किया है कि एक एक लीफ के बीच में लगाए इन्होंने ये चीज। इट्स एक्सीलेंट वर्क। जो रोजेस हैं, रोजेस को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस से कवर किया है, बाकी लीव्स के अंदर अंदर उन्होंने घुसाए हुए। वेरी वेरी गुड। तो सिस्टर्स, ये था हमारा लहंगा सरीना एम्ब्रॉयडर्ड रॉयल का। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ज़रूर मुझसे या एम्ब्रॉयडर्ड रॉयल वालों से ज़रूर ये बाय करना चाहेंगे। टेक केयर सिस्टर्स, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय ज़रूर मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टिचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में मेरे फेसबुक के लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा और साथ में यूट्यूब के चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल बटन के आइकन को आप जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट मेरी जो अपकमिंग वीडियो होगी वो आपको खुद ही आ जाएगी। लेकिन यूट्यूब के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ना ही शेयर करना भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।